नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस के एक्सीडेंट ट्यूटोरियल में। साथियों, आज का कमेंट है कि सर पर्सनालिटी 6D का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है, DEF है, और जो है इसके क्षेत्रफल क्रमशः जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो जो है BC ज्ञात कीजिए। तो BC का मान जो है कैसे ज्ञात करें, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, हल में जो है लिखेंगे कि मान लीजिए कि त्रिभुज जो है दिया हुआ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हम लोग जो है क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल, त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC जो है ABC और स्वरूप है क्या DEF के, तो त्रिभुज ABC बटे में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। तो DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इनके भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनके भुजा जो है क्या दिया हुआ है, तब देखिए BC ज्ञात करने के लिए, अब देखिए ABC त्रिभुज ऊपर है, माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऊपर है, तो इसलिए त्रिभुज BC भुजा जो है ABC में होगा, तो इसलिए BC को जो है ऊपर रखेंगे और नीचे वाले जो है त्रिभुज का जो है भुजा जो है क्या है EF, माने DEF जो है किस में मिलेगा, EF जो है DEF त्रिभुज में मिलेगा, तो इसलिए इसको नीचे रखेंगे तो 15.4 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसका जो है वर्ग, ये सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस जो ABC का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्रमशः दिया है, ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग लिखेंगे। तो ABC का जो क्षेत्रफल कितना है, तो 64 बटे में जो है समझ लीजिए DEF का जो क्षेत्रफल कितना है, तो 121 बराबर क्या हो जाएगा BC का वर्ग। तो BC का जो है वर्ग तो दिया नहीं है, तो BC का वर्ग ऐसे ही रहेगा, और जो है 15.4 का जो है वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे हम लोग भाई, अब इसका जो है क्रॉस गुणा कर देंगे। तो इसका जो है पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो 64 बटे जो है 121 बराबर क्या हो जाएगा BC का वर्ग, अब बटे में जो है 15.4 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं, तो 15.4 का जो है वर्ग न करके जो है ऐसे ही जो है लिख देते हैं इसको, 15.4 ही रहने देते हैं वर्ग, या इसको दो बार कर दीजिए, 15.4 का वर्ग करेंगे तो 15.4 × 15.4 हो जाएगा, दो बार गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब जो है इसका इसमें जो है क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो 15 आगे क्या हो जाएगा 15.4 × 15.4 इसका इसमें गुणा होगा, तो इंटू जो है 64 और बट्टे में हो जाएगा 121 बराबर हो जाएगा BC का वर्ग, ठीक है। अब BC का वर्ग हो गया, अब BC का जो है वर्ग हो गया, तो अब इसको जो है क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है वर्ग को जो है इधर लाएंगे, वर्ग इधर आएगा तो ये टोटल का वर्ग हो जाएगा, वर्ग इधर आएगा तो टोटल का रूट हो जाएगा, वर्ग को जब पक्षांतर करते हैं तो रूट हो जाता है, तो ये जो हो जाएगा 15.4 × 15.4 × 64 अब बटे में जो है क्या हो जाएगा 121, ये भी रूट में ही रहेगा, बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ग के अंदर जो है जो भी संख्या, अब एक बार जो है एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो देखिए ये टोटल का वर्ग है ना, वर्गमूल, टोटल का वर्गमूल है, तो यानी कि इसका भी वर्गमूल निकालना है और इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो इसको अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, ठीक है। अब एक बार इसका गुणनखंड कर देते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको जो है अंडर रूट में अगर जो है 15.4 का तो जो है दो बार गुणा हुई है, अब गुणा जो है, अब 64 को जो है देखिए, 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 8 × 8। बैकग्राउंड में थोड़ा सा जो है नॉइज आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो हमने जो है दिन में बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे देखिए 121 है, ठीक है, यहाँ पे 121, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो 121 को जो है अगर दो भागों में बांटा गुणा किया जाए, तो 11 × 11 हो जाएगा, 11 × 121। अब देखिए कर्णी के अंतर्गत इसका भी जोड़ा लग जा रहा है, इसका भी जोड़ा लग जा रहा है, इसका भी जोड़ा लग जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया,
तो ये जो है कर्णी के, कर्णी से बाहर निकल जाएगा। क्या क्या बाहर निकलेगा, तो 11 का ये देखिए टोटल का ये रूट है, यानी कि अंडर रूट में ये भी है और अंडर रूट में ये भी है। तो जो है इसका जो है क्या करेंगे हम लोग, रूट लेंगे तो ये जो है जोड़ा है तो ये जो बाहर निकल जाएगा 15.4, और यहाँ 8 का भी जो है जोड़ा है तो 8 भी बाहर निकल जाएगा, और नीचे जो 11 का जोड़ा है तो 11 भी बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया 15.4 × 8/11। ठीक है, तो 15.4 × 8/11 को जो है अगर साल्व करते हैं हम लोग तो जो है क्या हो जाएगा, अब 11 से इसमें अगर हम लोग भाग देते हैं तो 11 × 9 = 11, 11 × 4 = 44, तो 1.4 हो जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये 1.4 गुणे हो जाएगा 8, तो एक क्या हो जाएगा भाई 14/112, तो 112 हो गया, और एक हम पर दशमलव लगा देंगे तो 11.2 हो जाएगा। तो बी सी का जो है मान क्या निकलेगा, ये बी सी बराबर ही तो निकल रहा है, तो बी सी बराबर यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए बी सी बराबर। ठीक है, बी सी बराबर, तो बी सी का जो है वैल्यू निकल गया आपका 11.2। ठीक है, तो बी सी का जो है मान पूछ रहा था, तो बी सी का हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये तो सूत्र होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज के अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इनके संगत भुजाएँ दी हुई हैं, बी सी का वर्ग बटे 15.4 का हमने जो है क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। भाई ये त्रिभुज है, देख लीजिए, मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और जो है डी ई एफ, यही है ना, डी ई डी ई और एफ, यही ना त्रिभुज है। तो ये कह रहा है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसके जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए ये बी सी अनुपात दिया है, तो ई एफ जो है आ रहा है और ई एफ जो है दे ही दिया है। ठीक है, तो इसके संगत भुजा हो रहा है ना, बी सी के संगत ई एफ हो ही रहा है, तो यानी कि जो भी हम लोग सूत्र लगाए हैं सही लगाए हैं, क्योंकि जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इस सूत्र से हमने जो है इसको लिख दिया है, उसके बाद से जो है इसी बात को जो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल रख दिया 64 21। अब देखिए भाई ए बी सी जो है ऊपर है त्रिभुज, तो इसलिए बी सी जो है हमने ऊपर रखा है, उसके बाद जो है ई एफ जो है नीचे रखा है। ठीक है, इसमें भी डी ई एफ जो है त्रिभुज नीचे है, इसलिए है जो अब जो है ये जो है इसका जो है क्या किया है क्षेत्रफल रख दिया है, और यहाँ जो है भुजाओं का वर्ग कर दिया है। ठीक है, इसका वर्ग है तो इसको दो बार गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसका क्रॉस गुणा कर दिया तो इसका इसमें गुणा कर दिया, और यह यहीं रहेगा, तो बी सी वर्ग का, बी सी का वर्ग बराबर इतना बटे इतना हो गया। अब वर्ग, चूंकि वर्ग को जो है वर्ग को इधर लाते हैं बराबर के इधर, तो रूट में हो जाता है, तो ये हो गया रूट में, और रूट में जो है संख्याओं का जब जोड़ा लगता है तो वह बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है जोड़ा लगा के लिख दिया भाई, 8×64 लिख ही सकते हैं, 11×121 लिख ही सकते हैं। तो मान लीजिए इसका भी जोड़ा लग रहा है, इसका भी, इसका भी, तो जिसका जिसका जोड़ा लगा वो बाहर हो गया, और बाहर होने के बाद से इसको सॉल्व कर दिया तो ये जो है इतना आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।